पाठ तीन मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर साहब ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकल कर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यह लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेरकर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं होता। वो उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी छप्पर को उठाने और किसी कले को शांत करने के लिए तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक यही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे शौक था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाएं। वो सांपों के पिटारों के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। ये कहकर एक काले सांप को पकड़कर वो बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और उसके दांत दिखाते हुए बोला,
जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लो। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वो उस कमरे की तरफ भागा जहाँ मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होठ नीले पड़ने लगे और वो अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही, देखने जाओगी? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को इनके पास ले गया था, खेलने जा रहा था, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का ये पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वो चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वो घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊं कहाँ, देख रहा था रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10,00,000 भी दे। मुझे लेकर क्या करना है? कल मर जाऊं तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती थी। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बात करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? दो बज चुके थे, लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है, शायद एक महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ हैं? मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। चड्ढा ने उदास स्वर में कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देख कर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देख कर बोला, अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फेर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तमाखू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तमाखू निकालकर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाखू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना,
पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज को लेकर मेरे पास आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। वो बहुत गिड़गिड़ाया था, पर मैंने आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। मुंशी प्रेमचंद।